धरती की जो माटी का चीज है गाने का, बाबा हरि हर नाथ होली खेले ले सोनपुर में, बाबा हरि हर नाथ होली खेले ले सोनपुर में, बाबा महेंद्र नाथ खेल समेहादार में, वासुकी केदारनाथ खेल सदेव घर में, बाबा हरिहर नाथ होली खेले ले सोनपुर में। ये हम लोग का माटी का जो गीत है। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस होली मिलन समारोह में दूर दराज से, गांव देहात से बहुत सारे लोग, महिलाएं भी शामिल हुई हैं, और आज जम करके रंग अबीर गुलाल लगा करके होली की हार्दिक शुभकामना भी जिला वासियों को श्रीनिवास यादव ने दिया है। और यहां पत्रकार भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। होली मिलन समारोह के अवसर पर श्रीनिवास यादव जी जिला सिवान वासियों को क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इनसे सीधे बात करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है श्रीनिवास यादव जी, और एक तरफ चुनावी माहौल भी है और आप समाज सेवी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? चूँकि आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत शानदार रहा और बहुत सारे लोग इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से पूरे सिवान जिला और आपके स्रोतों को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और होली मिलन का ये कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है, मैं बहुत दिनों से ही करा रहे हैं। बाकी निश्चित तौर पर इस बार VIP पार्टी और समाज सेवी के नाम से कराया जा रहा है, और हम पूरे सिवान जिला वासियों को बधाई देते हैं और बिहार वासियों को कि अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में होली शांतिपूर्ण मनाएँ, और आने वाले समय में, इसलिए कि हिंदू के पर्व के अलावा मुस्लिम धर्म के भी पर्व चल रहा है पवित्र महीना रमजान का, उसको भी ख्याल में रखते हुए, अपना दायरे में रहते हुए अपना भी पर्व को सफल बनाना है, और आने वाले समय में उनका भी पर्व को ध्यान में रखते हुए सफल बनाने का प्रयास करना है। और इसी तौर पर हम जितने लोग हैं आए हुए हैं उनको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में, जब सुबह से बारिश हो रहा था वैसी परिस्थिति में, कोई घर से निकलना कठिन था वैसी परिस्थिति में, सिवान जिला के सभी प्रखंड से, दूर दराज से, देहात से आए हुए तमाम साथियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और होली की शुभकामना देता हूं, और इनको आने वाले समय में जो पर्व है 25 या 26 तारीख को अपने घर में शांतिपूर्ण मनाए, और अपने घर के अगल बगल लोगों को शांतिपूर्ण मनाने का अपील करें कि ताकि ये संदेश जाए पूरे सिवान जिला में कि कोई व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या किसी पार्टी के नेतृत्व में, हम सिवान में होली मिलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो गांव में भी होली मिलन कराने काम करें। और जिला प्रशासन की ओर से भी अपील है कि अगर किसी गाँव में कोई व्यक्ति रोड पर अगर होलिका दहन करते हैं तो ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, रोड को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन का रात में कार्यक्रम कर लेंगे, बाकी फिर सुबह वो उसको सर सफाई कर देंगे कि आने वाले समय रोड पे जाने वाला व्यक्ति को किसी तरह का बाधा ना हो। और जहां होलिका दहन का प्रोग्राम है वहां निश्चित तौर पर वहां पानी के लिए बालू की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसा तो घटना न घटे, अगर किसी तरह का उस तरह घटना घट जाए तो आग पर काबू पाने के लिए उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और हम लोग कल बैठक थे पूरे सिवान जिला में, हर तरह हर जगह मजिस्ट्रेट का बहाल हुआ है, फोर्स सहयोग करने के लिए तैयार है, सदर अस्पताल में विशेष डॉक्टर की टीम बैठाई गई है, रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी तरह का कोई घटना ना घटे, अगर घटना घट जाए तो त्वरित उसको कार्रवाई करने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था करने का काम किया गया है। चुनाव बिल्कुल करीब है, लोकसभा के चुनाव में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है श्रीनिवास जी, और रंगों का त्यौहार होली, रमजान का महीना साथ साथ चल रहा है, शांति का अपील आपने किया है, तो सिवान में आप प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी रमजान में प्लस मकर संक्रांति में जो खिचड़ी कहा जाता है, ये सब आप कार्यक्रम करते हैं, अन्य नेता लोग इस तरह का कार्यक्रम में दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। आज पत्रकार बंधुओं को उपहार भी आप दिए हैं, आए हुए लोगों को प्रसाद भी आप खिलाए हैं, तो ये सब आपके अंदर कहाँ से आता है भावना? ये सब आम जनता के सहयोग से होता है। जो आदमी को मदद करना, सेवा करने का भावना होगा ना, तो पर्व त्यौहार थोड़े देखेगा, चुनाव थोड़े देखेगा,
उसके इच्छा शक्ति जब होगा तो निश्चित तौर पर करने का काम करेगा। हम लोग लड़काई से भी काम करते हैं, आने वाले समय में आगे भी करते रहेंगे। हम लोग को चुनाव से कोई मतलब नहीं है कि कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता है। जब चुनाव आएगा, नॉमिनेशन करेगा, हमारा पार्टी जो डिसीजन करेगी, हम उसको मदद करने का काम करेंगे। उसमें चुनाव की बात होगी, बाकी होली उन्मिलन में रमजान के महीना में कोई कार्यक्रम करते हैं और उसको कोई चुनाव से जोड़ता है कि हमारे यहाँ रमजान में इतना लोग आ गए, होली के कार्यक्रम में इतना लोग आ गए, हम इतना सामान दे दिए, ये कर दिए, उसको श्रीनिवास यादव के डायरी में कहीं जगह नहीं है। चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर मेरा पार्टी जो डिसीजन करेगा, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक डट के मदद करने का काम करेंगे। अगर पर्व आए तो पर्व में भी ईमानदारी पूर्वक पर्व को किस तरह निभाया जाता है, किस तरह उसको सिस्टम है। रमजान के लिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय को मैं टाउन हॉल के लिए 7 तारीख को अगला महीना के लिए अग्रिम बुकिंग के डाल दिया है आवेदन। हमको जैसे ही मिल जाएगा, मैंने डेट फिक्स कर दिया है, अगर मिल जाएगा, अगर चुनाव की कोई बाधा ना पहुंचे, कोई इस तरह का यथी नहीं, अगर बाधा पहुंचेगा तभी अटर्मेंट कोई व्यवस्था हम करने का काम करेंगे रमजान के पर्व को। बाकी टाउन हॉल मिल जाएगा तो 7 तारीख को अगला महीने में रमजान का हम अवतार कराने का काम करेंगे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।